सारे पार्ट्स अंदर के जितने भी है, कूलिंग कॉइल, बायोमेटल, थर्मोस्टेट, टाइमर वगैरह, उन सबको जानेंगे, उनकी वायरिंग जानेंगे, इसकी जो मेन वायरिंग है वो जानेंगे, अंदर के सारे पार्ट्स जानेंगे, ठीक है। पहले तो हम फ्रीजर, जो ऊपर है फ्रीजर, उसके पार्ट्स देखते हैं। कभी देखें, ये हमारा है आइस ट्रे, जिसके अंदर बर्फ ट्रे होती है, पानी भर के बर्फ जमाई जाती है, ठीक है। इसको खोलने के लिए, फ्रीजर को खोलने के लिए पहले हम इसको निकालेंगे, ये दोनों यहाँ पे और यहाँ पे लॉक टाइप की कटिंग होती है, उसी के अंदर फिट होता है। सभी फ्रिजों में होता है? सभी फ्रिजों में होता है, ए टू जेड फ्रिजों में होता है। अच्छा, वो आइस की फिट रहे और ये बड़ा वाला किसका मतलब? ये भी आइस, आइस के लिए है। अच्छा, आइस ब्लॉक के लिए। हाँ जी, किसी किसी के अंदर यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं, इसमें जो इसका कवर है, आइस ट्रे का जो कवर है उसके अंदर स्क्रू लगे होते हैं, और किसी किसी के अंदर आगे दो होते हैं, पीछे एक स्क्रू होता है। इसको खोलने से पहले, फ्रीजर खोलने से पहले हम इसको खोलेंगे। इसको खोलने का मतलब है ये वाला जो आगे के दो स्क्रू जो है उनके अंदर कट बना होता है, उसको धीरे धीरे लूज कर लेंगे हल्का सा, पीछे का स्क्रू पूरा खोल लेंगे। पहले इस तरीके से ऐसे भी जैसे खोलते हैं ना फर्स्ट से, चाहो तो आप इसको पूरा भी खोल सकते हो, नहीं तो आधा भी कर सकते हो, अगर सबको दिख रहा है। एक यहाँ लगा होता है, एक यहाँ लगा होता है, और एक स्क्रू यहाँ लगा होता है। उसके बाद हमारा जो फ्रीजर का ये है, इसके अंदर में दो स्क्रू होते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, बहुत से भी स्क्रू लगे होते हैं, उसके आगे क्लिप भी लगी होती है जिससे कि स्क्रू अंदर आए दिखे नहीं। अब ये यहाँ स्क्रू दिखेगा तो बुरा लगेगा ना, इसलिए यहाँ भी होते हैं, बहुत से में बीच में आ जाते हैं बहुत फ्रीजों में। इन दोनों पेचों को खोलने के डक्ट निकालेंगे, डक्ट के अंदर यहाँ भी लॉक होते हैं, यहाँ भी लॉक होते हैं। लॉकों को बड़े प्यार से निकालना है, क्योंकि अगर एक भी लॉक टूट गया ना, जब ये चलेगा इसके अंदर जो फैन मोटर होगी उसके चलने से ये वाइब्रेशन करने लगेगा, और जब ये वाइब्रेशन करेगा तो साउंड बहुत बुरा आता है, जैसे कि प्लास्टिक एक दूसरे से घिस रही है। इनकेस अगर लोग टूट जाए, निकालते हैं, करनी पड़ेगी। हाँ जी, और जब हम इसको निकालेंगे, पूरा सीधा नहीं निकालेंगे, इसको इस तरीके से तिरछा कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ये मोटर लगी हुई है ना, उसकी वायरिंग वहां हुई हुई है, दिखाऊंगा। तो हम इसको इस तरीके से रखकर यहां से ये थिम्बल और ये थिम्बल, दोनों थिम्बल निकाल देंगे, फिर अपना ये वाली डक्ट बाहर कर लेंगे। ये डक्ट जो खुलेगी हमारी, इससे अलग जो होगी, उसके लिए एक दो तीन चार स्क्रू खोल के, ये पांचवा स्क्रू खोल के ये बाहर आ जाएगी। इसके अंदर में जो डक्ट का साइज बना हुआ है वो इस लेवल से बना हुआ है, ये बनाया इसलिए गया है, जो भी फ्रीजर की ठंडी हवा है वो यहां से टकरा के फ्रीजर को कवर करने के बाद नीचे हिस्से में, नीचे बॉडी में पहुंचने के लिए ये जगह बनाई गई है। और ये जितने भी इसके अंदर डक्ट है, फर्स्ट, सेकंड, नीचे, थर्ड, डक्ट के अंदर थर्माकोल का यूज किया जाता है, इसलिए ताकि उसकी जो ठंडक है वो बाहर ना निकले, अंदर टाइम तक ठंडक रहे, ठीक है। फैन मोटर ये एग्जॉस्ट का काम करती है अंदर खींचने के लिए, जो डक्ट पे इसके अंदर मॉइस्चर जमता है ना, फ्रॉस्टिंग जो आती है उसको बाहर करती है। एक साइड से ये दो काम करती है, यही फैन, फैन ब्लेड एक साइड से बाहर की साइड फेंकता है और एक साइड से अंदर की साइड खींचता है, दो रोटेशन, जिससे कि इसकी रोटेशन, हमारे एसी में रोटेशन जो होती है वो इस तरीके से होती है, होती है गैस सर्कुलेशन, इसके अंदर में जो ठंडक का है वो रोटेशन इस तरीके से यहां से स्टार्ट होगी,
नीचे गई, वापसी रिटर्न यहीं से आएगी, इस तरीके से चलती है अप एंड डाउन, इसके अंदर सर्कुलेट करता है। हाँ जी, ये कूलिंग वाइल होती है हमारी, कूलिंग वाइल से ही टच हीटिंग रोड होती है ताकि हमारे फ्रिज में मोटी मोटी बर्फ ना जमे, जिससे कि हमारा जो फैन ब्लेड है वो जाम ना हो, नीचे का हिस्सा कूलिंग करना बंद कर दे, ठीक है। इसलिए हीटिंग रोड लगाई जाती है 8 घंटे की टाइमिंग के लिए, इसके अंदर टाइमर होता है, बायोमेटल होता है, ये लगा हुआ बायोमेटल, बायोमेटल होता है ये कूलिंग वायल से जितने भी पार्ट्स हैं, फ्यूज हुआ, बायोमेटल हुआ, हीटिंग रोड हुई, ये सब कूलिंग कॉइल से टच होते हैं, क्योंकि बायोमेटल जिस टाइम अपनी सप्लाई छोड़ेगा, बायोमेटल जिस टाइम अपनी सप्लाई छोड़ेगा उस टाइम हमारा हीटर ऑन हो जाएगा, और हीटर जब अपनी सप्लाई काटेगा उस टाइम हमारा बायोमेटल कंप्रेसर को सप्लाई देगा, कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। आवाज आ रही, तो फ्रीजर फैन मोटर भी बोल सकते हो, सर्कुलेशन के लिए। और ये सब ना जितनी भी मोटर है सब अलग अलग तरह की आती है, कोई भी एक सेम मोटर नहीं होगी, सेम